हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं मिलियनेयर फास्ट लेन बुक के बारे में। ये बुक बिज़नेस के बारे में है। अगर आप बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं तो 6-7 ऐसे पॉइंट्स बता रखे हैं जो आपको बिज़नेस को शुरू करने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। सबसे पहला है, इसके अंदर पहला पॉइंट डिस्कस किया गया है, वो है द लॉ ऑफ अफेक्शन, यानी कि आप कितने लोगों को अपने बिज़नेस से अफेक्ट कर सकते हैं। आपका जो मार्केट है, ऑडियंस जो है वो कितनी ऑडियंस है। इसको अगर मैं मार्केटिंग की भाषा में बोलूँ तो इसको बोलते हैं टेम, टोटल एड्रेसेबल मार्केट। कितने लोग हैं जिनको आप एड्रेस कर सकते हैं। जैसे रियल एस्टेट की बात करें तो प्रॉपर्टी को ख़रीदने वाले कम लोग हैं, लेकिन अगर आप च्युइंगम बेच रहे हैं, बिस्किट्स बेच रहे हैं, तो उसका मार्केट ह्यूज है। तो आपको देखना है सबसे पहले कि मेरी ऑडियंस कितनी है, राइट, और जिस जगह में मैं इस प्रोडक्ट को बना रहा हूँ उसके आसपास इसके लिए लोग हैं भी या नहीं। तो सबसे पहला क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बिस्किट बना रहे हैं, 5 रुपये का बिस्किट है, उसके अंदर 2 रुपये का आपका प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट क्या है, बहुत ज़्यादा कम है। तो आपको क्या करना होगा, ज़्यादा लोगों को आपको सर्व करना होगा। तब आपका महीने का अगर आपसे 1,00,000 रुपया चाहते हैं तो आपको ज़्यादा लोगों को उसके लिए 50,000 लोगों को कम से कम आपको बिस्किट बेचना होगा, तब आपका 1,00,000 रुपये टोटल प्रॉफिट आएगा। और उसके अलावा अगर आपका पर ऑडियंस या पर कस्टमर आपका प्रॉफिट है वो ज़्यादा है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप रियल एस्टेट में है या फिर रॉकेट साइंस वगैरह स्पेस एजेंसी इसके अंदर है, तो पर कस्टमर आपका प्रॉफिट ज़्यादा हो सकता है। जैसे स्पेस एक्स है, वो स्पेस के अंदर इंडस्ट्री में काम कर रही है, तो उसका एक क्लाइंट होगा ना, वो अरबों रुपए का प्रॉफिट उसको देगा। और अगर हम रियल एस्टेट की बात करें तो एक अगर हम मकान बिकवा देते हैं तो लेट से 50,000 1,00,000 रुपये तक का भी हमें प्रॉफिट हो जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि हम कितने लोगों को अफेक्ट कर सकते हैं, कितने लोगों की ज़िंदगी में हम अच्छा प्रभाव लेकर के आ सकते हैं, हमारी ऑडियंस कितनी है, ये सबसे पहला पॉइंट है, राइट। दूसरा पॉइंट है नीड का, कितने लोगों को इसकी नीड है या नहीं है। लेट से मैं जोधपुर सिटी में रहता हूँ, जोधपुर में अगर मैं एक इंडस्ट्री सेंटर खोलना चाहता हूँ मार्शल आर्ट्स का, कि मैं मार्शल आर्ट्स आपको सिखाऊंगा, तो यहाँ पे हो सकता है ऑडियंस इंटरेस्टेड हो इस चीज़ के अंदर। लेकिन अगर यही मैं किसी विलेज में जाकर के सिखाने लग जाऊँ तो वहाँ ऑडियंस कम होगी। मैं अगर मुंबई में जा करके इंग्लिश लैंग्वेज सिखाऊँ तो शायद इतना कस्टमर नहीं होंगे, क्योंकि उनको पहले से ज़्यादातर लोगों को आती है, स्कूल सिस्टम ही ऐसा उनका बना है। लेकिन विलेजेस में इंग्लिश की मांग ज़्यादा है, जोधपुर में भी मांग ज़्यादा है, क्योंकि ये इतना ज़्यादा डेवलप्ड सिटी नहीं है। सर, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नीड का। इसके लिए ऑथर ने 3 क्वेश्चंस भी दे रखे हैं आपको नीड के बारे में पता करना हो तो। ऑलराइट, तो सबसे पहला आपको क्वेश्चन अपने आप से पूछना है कि कितने लोग मेरे आसपास इस चीज़ के लिए इंटरेस्टेड है। दूसरा है कि अभी जो लोग ऑलरेडी, फॉर एग्जांपल अभी जो लोग मार्शल आर्ट सिखा रहे हैं, अभी जो कराते वगैरह ये चीज़ें सिखा रहे हैं, उनमें अभी कौन सी कमी है, क्या प्रॉब्लम है, कौन सी चीज़ है वो नहीं कर पा रहे हैं जो मैं अच्छे से कर सकता हूँ। और तीसरी चीज़ है कि वो दे रहे हैं, उसके अलावा एक्स्ट्रा मैं क्या उनकी कस्टमर की लाइफ में वैल्यू डाल सकता हूँ, उसके बारे में भी आपको सोचना है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है द लॉ ऑफ एंट्री। कोई आप बिज़नेस शुरू कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अमेज़ॉन के अंदर आप अपना सामान बेचना चाहते हैं, अब अमेज़ॉन में अपना अकाउंट बनाना कितना ज़्यादा आसान है, तो इसमें कोई एंट्री बैरियर नहीं है। कोई भी आया फटाफट, अगर आपका प्रोडक्ट चल गया तो कोई भी होएगा उसको कॉपी कर देगा, तो आपका बिज़नेस में कॉम्पिटिशन फटाफट बढ़ेगा, तो आपके बिज़नेस नहीं कर सकते। जैसे कोका कोला है, कोका कोला क्या है, उसका एक सीक्रेट फार्मूला है जो किसी को नहीं पता है, राइट, तो उस बिज़नेस में कोई घुस नहीं सकता, कोई भी कोका कोला का जो टेस्ट है वो लेकर के नहीं आ सकता, इसीलिए कोका कोला जो है मार्केट में डोमिनेट कर रहा है, राइट। तो आपका जो बिज़नेस है आपको देखना है क्या ये कहीं इजीली कोई कॉपी तो नहीं कर जाएगा, और कॉपी से बचाने के लिए एंट्री बैरियर करके एक टॉपिक होता है मार्केटिंग में, आप उसको स्टडी कर सकते हैं, ऐसा क्या करें कि कोई एंट्री नहीं कर पाए। जैसे जियो की हम बात करें तो जियो ने क्या किया, इतना ज़्यादा उसमें पैसा डाल दिया, लगभग 2,50,000 करोड़ रुपये उसने बिज़नेस में डाल दिए 4G का नया नेटवर्क लेकर के आने के लिए। अब जो दूसरी कंपनीज है, एयरटेल है या वोडाफोन वगैरह जो हैं, इनके पास ऑलरेडी ये 3G के अंदर चल रहे, इतना पैसा नहीं है कि लेकर के आ जाए। मुकेश अंबानी तो सबसे अमीर है भारत देश के अंदर, तो उन्होंने 2,50,000 करोड़ रुपये डाला और उनका एंट्री बैरियर हो गया, क्योंकि इतना पैसा कोई डाल नहीं सकता, और अभी जितना नेटवर्क अच्छा जियो का है उतना एयरटेल वगैरह का नहीं है, राइट, तो ये एंट्री बैरियर होता है। तो ऐसा कुछ करना है कि हर कोई आपके बिज़नेस में आकर के घुस ना जाए। नेक्स्ट है कंट्रोल, आपको उस बिज़नेस में कितना ज़्यादा कंट्रोल है। फॉर एग्जांपल अगर हम यूट्यूब की बात करें, यूट्यूब पर चैनल बनाना
हमारे हाथ में है, ठीक है, लेकिन यूट्यूब के हाथ में है, वो कभी भी एक पॉलिसी चेंज करे कि नहीं अब से हम ऐड के पैसे नहीं देंगे तो हम क्या कर लेंगे, प्लेटफॉर्म तो उसका है, हम तो पैसेंजर है, ड्राइवर तो यूट्यूब कंपनी वाले हैं ना। उसी प्रकार से और भी हम कोई अमेज़ॉन का बिज़नेस कर रहे हैं, ड्राइवर तो वो अमेज़ॉन कंपनी है, कभी भी अपनी पॉलिसी चेंज कर सकती है। तो जो भी हम बिज़नेस कर रहे हैं हमें देखना कि हमारा कितना कंट्रोल है सेल के ऊपर, मनी के ऊपर, रेवेन्यू के ऊपर। कोई फ्रेंचाइजी हमने ली है जैसे मैकडॉनल्ड्स की ली है तो उसमें भी हमारा कंट्रोल इतना थोड़ी रहता है, हम तो फॉलो कर सकते हैं, मेन ड्राइवर तो वही है। तो हमें देखना है कि हमारा कितना कंट्रोल है अपने बिज़नेस के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर हम कितने कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल नहीं है तो कोई भी नियम चेंज करेंगे तो हमारे हाथ में नहीं रहेगा। नेक्स्ट है स्केल। अगेन स्केल मतलब इसको कितना बढ़ाया जा सकता है। जैसे मैंने कहा बिस्किट्स का, खिलौनों का, इनका मार्केट बहुत ज़्यादा है, अरबों बच्चे हैं दुनिया में, राइट, तो अरबों लोगों को आप अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें प्रॉपर्टी की तो वो कुछ लाख के अंदर है जो प्रॉपर्टी को ख़रीद सकते हैं। तो स्केल आप लोगों को देखना है कैसे इसको बढ़ाया जा सकता है और कितना जल्दी बढ़ाया जा सकता है। जैसे इंटरनेट पे कोई आपने ऑनलाइन प्रोडक्ट बनाया तो उसको बढ़ाना कौन सी बड़ी बात है, आपने कोई लेट से कोई कोर्स बनाया है तो उसको बढ़ाने की कोई आपको दिक्कत ही नहीं है, करोड़ों लोगों को बेचो ना, क्या दिक्कत है, उसमें कोई दिक्कत है क्या, टाइम भी नहीं लगना, ऐसे कॉपी पेस्ट वाली बात है। उसके अलावा अगर हम फिज़िकल जैसे बाइक मेरे पास में है, बाइक को अगर बनाए या नोटबुक को अगर बनाए तो उसको बनाने में टाइम लगता है, इसको भी बनाने में और नोटबुक को भी टाइम लगता है, हालांकि इसको थोड़ा कम लगता है। लास्ट पॉइंट है टाइम। आपको देखना है हमारा जो बिज़नेस है कहीं ऐसा तो नहीं मैं इसमें 24 घंटे मुझे काम करना पड़ेगा, इसमें मुझे टाइम अपने लिए कितना टाइम मिल सकता है, क्या मैं इसके लिए ऐसे लोग हायर कर पाऊंगा जो कि इसको चला सके, क्या इससे इतना पैसा आएगा कि मैं अच्छे लोग हायर कर सकूं, या फिर इसको ऑटोमेट कर दूं मशीनें या कुछ टेक्नोलॉजी लगा के इसको ऑटोमेटिक कर दूं कि मेरी ज़रूरत ख़त्म हो जाए, कि टाइम मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसको थोड़ा रिविज़न कर लेते हैं। पहला कि मैं कितने लोगों को अफेक्ट कर सकता हूँ, कितने लोगों की ज़िंदगी प्रभावित कर सकता हूँ, मेरी मार्केट साइज़ क्या है। दूसरा कि आसपास के लोगों को नीड है कि नहीं है, जो कंपटीशन दे रहा है उससे अच्छा क्या कर सकता हूँ, कंपटीशन की कमज़ोरी क्या है। उसके अलावा एंट्री बैरियर कैसे लाऊँ, ऐसा क्या करूँ कि हर कोई मेरे बिज़नेस में घुस ना पाए, मेरे बिज़नेस में मेरा कंट्रोल कितना है, इसको कितना बढ़ाया जा सकता है, कितनी ऑडियंस हो सकती है इसकी। और लास्ट पॉइंट है मुझे अपने लिए टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैं अच्छी हायरिंग कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, और क्या इससे इतना पैसा आएगा कि मैं अच्छे लोग हायर कर सकूं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे इस बुक से, द मिलियनेयर फास्ट लेन। मैंने इस बुक को पढ़ा नहीं है, मैंने इसकी समरी ज़रूर सुनी है यूट्यूब से, सो मैं इस बुक को भी पढ़ने वाला हूँ। अभी मेरे पास बहुत सारी बुक्स ऑलरेडी हैं, मैं उनको कंप्लीट करके इसको पढ़ूंगा। तो मैंने इसकी समरी सुनी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ में इसको शेयर कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई लव यू ऑल, बाय बाय।